आज समाजवादी पार्टी गोवर्धन विधानसभा के सभी सम्मानित साथियों और पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने धानघाटी मंदिर गिरा श्री गोवर्धन पर भारत चीन बॉर्डर पर हुए शहीदों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री गिरिराज जी से प्रार्थना की कि मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को गिरिराज जी अपने शरणों में जगा दें। जिस तरीके से चीन ने धोखे से हमारे सैनिकों पर वार किया और हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, हम सब लोग चीन के द्वारा किए गए इस घृणित कार्य की घोर निंदा करते हैं। इस मौके पर प्रदीप चौधरी, पूर्व प्रत्याशी गोवर्धन विधानसभा कृष्ण मुरारी, जिला सचिव मुरारी लाल शर्मा, गौरव गोस्वामी, कन्हैया शर्मा और आदि लोग मौजूद थे। कैंडल लाइट मार्च किया है यहाँ पे गिरिराजी मंदिर पे, किस लिए और किस उद्देश्य से किया है? आज हमने हमारे उन वीर सपूत जो वीर सैनिक हमारे हम लोगों की सरहद पर रक्षा करते हुए, देश की मातृभूमि की रक्षा करते हुए, जो तीन के द्वारा उनकी नापाक हरकतों की वजह से शहीद हो गए हैं, आज उनकी आत्म शांति के लिए और देश की तरक्की के लिए और देश में शांति के लिए आज हमने गिरिराजी में उन वीर शहीद हमारे सैनिकों के लिए आज हमने दीप प्रज्वलित किया है, जो है कैंडल प्रज्वलित किया है। और हम गिरिराजी से प्रार्थना करते हैं कि जो वीर सपूत हमारे हमारे भाई हमारे बंधु जो थे, जो देश की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको गिरिराजी अपने चरणों में जगह दें और उनके परिवार पर जो आज दुखों का पहाड़ टूटा है, गिरिराजी उनकी मदद करें। और हम गिरिराजी से प्रार्थना करेंगे कि देश में शांति रहे, देश उन्नति करे और हम सब लोग इस देश की इस लड़ाई में सारे दल, सारे राजनीतिक दल सब देश के साथ हैं और देश को न टूटने देंगे न देश को सम्मान। चीन ऐसी नापाक हरकत बार बार इस समय हमारे देश पर कर रहा है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वो सामने दे रहा है, कह रहा है कि हम बहुत कुछ कर देंगे, आग के गोले हैं हमसे, इसमें क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे भारतीय सेना पर हमें नाज है। हमारी भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है और क्योंकि भारतीय सेना वो केवल नौकरी नहीं करते हैं, भारत का प्रत्येक जवान देश की रक्षा अपनी माँ की तरह करता है और सरहद को भी अपनी माँ समझता है, धरती को भी अपनी माँ समझता है। भारतीय सेना के सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक जाएंगे और आज पूरा देश एकजुट होकर के सेना के साथ खड़ा है और हमारी सेना चाहे चाइना हो चाहे कोई और देश हो, उसकी नापाक हरकतों का जवाब हमारी सेना मुंह तोड़ देगी और 20 हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं इनके शहीद सैनिकों का एक बदला, इनके दुगनी तादाद में बदला लेकर के देश का सम्मान बढ़ाने का काम। चीन के कई सारे आइटम जैसे मोबाइल के थ्रू भी चलते हैं और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीन की या इंडिया में हैं अपने, तो उसके बहिष्कार के लिए कुछ कहना चाहेंगे या मैं बिल्कुल सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जो रोड सड़क और बड़े बड़े काम उन्होंने चाइना की कंपनी को दिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।